अस्सलाम वालेकुम के किसान दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे आबाद रखे आप जहाँ भी जाएँ खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें दूसरों का काम आते रहें दोस्तों आज की चादरें डेट के अपडेट के साथ हाजिर हूँ जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ाना बुनियाद पर आप दोस्तों को अपडेट जो है दी जाती है मुकामी और बैन अवी रेट्स के हवाले से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ़ौरन वीडियो आपके पास पहुंच सके दोस्तों जो है कल का दिन कपास के लिए बेहतर था रेट जो है मस्तकम रहे बल्कि कहीं पचास सौ रुपये की तेज़ी भी देखने को आई आज रेट इससे भी बेहतर होने की उम्मीद है लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता उम्मीद इस हवाले से है कि कल ज़बरदस्त जो है इंटरनेशनल मार्केट को शाम को ज़बरदस्त तेज़ी आई थी तकरीबन तीन सौ से ज़ायद पॉइंट्स की तो वो भी आपको बताऊंगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल जो है कैसे रेट रहे कल जो है सबसे पहले अगर बलूचिस्तान के हवाले से बात की जाए तो रकनी में नौ हज़ार तीन सौ तक रेट्स रहे जारी में जो है नौ हज़ार चार सौ तक रेट्स रहे जरीन में नौ हज़ार तीन सौ तक रेट्स रहे इसी तरीके से खारान में नौ हज़ार तक रेट्स रहे तो मजमू तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो कल रेट जो है नौ हज़ार चार सौ तक मौजूद थे दूसरी जानब सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध में ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट्स वो दादू में रहे वो वहाँ पर आठ हज़ार पाँच सौ तक रहे इसी तरीके से उमरकोट में आठ हज़ार तीन सौ तक कल जो है रेट्स मौजूद थे तो इसी तरीके से अगर पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब में कल रेट्स जो है वो बेहतर थे मस्कम थे हासिलपुर में रेट अठासी सौ तक थे फोर्ट अबास में आठ हज़ार सात सौ तक रेट्स मौजूद थे हारून आबाद आठ हज़ार छः सौ बहावल नगर आठ हज़ार सात सौ मरोठ में नौ हज़ार एक सौ मियाँ वाली में नौ हज़ार दो सौ शरीफ़ में आठ हज़ार पाँच सौ आठ हज़ार पिपला मंडी में 9400 और डोंगा बोंगा में 8800 तो सबसे ज़्यादा जो रेट्स पिपला मंडी में रहा कल नौ हज़ार चार सौ रुपये तक कल जो है तो यही रेट्स जो है कंसिडर करेंगे कि कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेट नौ हज़ार चार सौ तक जो है वो रहे पिपला मंडी में तो यही कल जो है पंजाब की मार्केट थी लेकिन कल जो है दिन को तो सेंट कल सारा दिन ही पॉजिटिव में चले कल इब्तः पॉजिटिव में हुई थी और उसके बाद सारा दिन जो है पॉजिटिव में चलते रहे और कल रात को तो तकरीबन तीन सौ से ज़ायद पॉइंट्स का जो है इजाफा नोट किया गया मार्केट छियासी पे ओपन हुई थी लेकिन जो क्लोज हुई थी वो नवासी पे हुई थी यानी तीन नवासी कुछ पे तो नवासी शर्य दस पे तीन सौ से ज्याद पॉइंट्स का कल इजाफ़ा नोट किया गया तो उसका असर आज मार्केट पे ज़रूर होना चाहिए छियासी और नवासी बहुत ज़्यादा जो है इजाफ़ा है ज़बरदस्त किस्म का इजाफा कहेंगे और वो इजाफ़ा डॉलर इंडेक्स के कम होने की वजह से है अगर इजाफा जो है दुआ करें कि कॉटन के, के फरोख्त में इजाफ़ा हो जाए दूसरी जानब अमेरिका की जो सत्तर फ़ीसद काटन है क्रॉप है वो भी मार्केट में आ चुकी है बाकी तीस फ़ीसद जो है वो पीछे बाकी है तो ज़्यादातर जो उनकी रियासतें हैं वहाँ पर कटिंग मुकम्मल हो चुकी है कॉटन की तो जो है अब दुआ करें इसकी फ़रोख्त में इजाफ़ा हो लॉकडाउन में नरमियाँ हो पूरी दुनिया में फिर इसकी जो है चाहत में मजीद इजाफा होगा दूसरी जानब अगर आज के सेंट की पोजिशन की बात करें तो इस वक्त जो सेंट है वो भी पॉजिटिव में है अभी थोड़ी देर पहले मुस्बत में था प्लस में था लेकिन अब थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन जो है कुछ नहीं कहा जा सकता मार्केट जैसे ही ये जो है आज चलेगी लम्हा बम्हा सेकेंड पर सेकेंड मार्केट चेंज होती रहती है इस हवाले से कोई भी बात हतमी नहीं होती कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता फिलहाल जो है इस वक्त के सेंट की पोजीशन की बात करें नवासी इशारिया एक आठ यानी उनानवे एक आठ पे जो है वो ट्रेड कर रही है एक कम बाज दोस्तों को जो है हमारे काश्कार भाई हैं पता नहीं चलता तो पूरी तरह मैं आपको बता दूँ कि नवासी इशारे एक आठ पे चल रही है मार्केट प्लस में थी थोड़ी देर पहले प्लस ज़ीरो इशारे ज़ीरो आठ यानी इसमें इजाफ़ा था जो कि ज़ीरो इशारे ज़ीरो नौ परसेंट जो है प्लस में बनता है और इसके अलावा जो है नवासी इशारे एक ज़ी पर कल क्लोज़ हुई थी यानी बहुत ज़्यादा इजाफे के साथ इसी तरीके से आज जब ओपन हुई तो फिर थोड़ी सी जो है मंदी के साथ ओपन हुई थी आज अट्ठासी इशारिया आठ सात पे और दिन में अभी तक ये अट्ठासी से नवासी के दरमियान जो है ट्रेड करती रही है तो दुआ करें जो है कि ये मदीद बेहतर हो जाए सौ से ऊपर सेंट चला जाए तो फिर जो है ज़बरदस्त यहाँ पर भी इजाफा देखने में आएगा दूसरी जानब जो है अगर कल रुई की बात करें त्रुई पंजाब में जो है अठारह हज़ार तक डी खान में और दूसरे इलाकों में अठारह हज़ार तक मौजूद थी इसी तरीके से अगर जो है वो कराची काटन एसोसिएशन की बात करें तो उसने अपने स्पॉट रेट्स में कोई तब्दीली कल नहीं की थी सत्रह हज़ार पर बरकरार रखे थे तो ये तो थी दोस्तों आज के हवाले से जो है वो पोजीशन सेंट की और मार्केट की उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बर वक्त आप अपडेट हासिल कर सकें बहुत शुक्रिया दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़